नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि आप लेबनान का वीज़ा प्रोसेस कैसे करें, लेबनान कहाँ पर स्थित है और लेबनान की स्थिति क्या है, उसके बारे में बताऊँ। दोस्तों मैं आपको बताता चलता हूँ कि लेबनान वेस्टर्न एशिया में एक छोटा सा मुल्क है जो साउथ में इसराइल से और ईस्ट में सीरिया से और वेस्ट में साइप्रस से इसका बॉर्डर लगता है और इसकी आबादी करीब 70 से 75 लाख के करीब है। दोस्तों यहाँ का जो मुख्य धर्म है वो है मुस्लिम, जो वो मुस्लिम करीब 60% और क्रिश्चियन जो हैं वो 60%। और दोस्तों आपको बताता चलूँ कि लेबनान को एशिया का पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत देश है। बैरूत इसकी कैपिटल है और करीब यहाँ पर दोस्तों बहुत ही साफ़ सुथरा है ये। यहाँ पर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं देखने के लिए, पार्क हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बीच हैं और यहाँ के खाने बहुत ही लजीज होते हैं जो कि पूरी वर्ल्ड दुनिया में फेमस हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इन बातों के बाद में आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से लेबनान का वीज़े का प्रोसेस करना है। तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो आपके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आपके पास में एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। एक वीज़ा लेटर आपको लिखना है वो होना चाहिए और अगर आप एजेंट से थ्रू अप्लाई करा रहे हैं तो एक आपको उससे अथॉरिटी लेटर उसको देना होगा और एक 2 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए जो कि शेंगेन वीज़ा के रिगार्डिंग होते हैं, 3.5 × 4 सेंटीमीटर विद वाइट बैकग्राउंड ऑन मैटर पेपर। और दोस्तों एक होटल बुकिंग होनी चाहिए, एयर टिकट बुकिंग होनी चाहिए आने जाने के लिए कि जिसमें आप उसमें बता सकें कि आप किस तारीख को जा रहे हैं, किस तारीख को आ रहे हैं। होटल का रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे तो आप कंफर्म होटल करा लें 2 दिन का 3 दिन का। और दोस्तों आपको बता चलूँ ये फॉर्म घूमने के लिए बहुत। चलिए दोस्तों अब हम आ जाते हैं कि आप किस तरीके से वीज़ा फॉर्म करें। आप वीज़ा फॉर्म ले लीजिएगा, उसको कंप्यूटर पर ही फिलअप करें तो ज़्यादा बेहतर है, या हाथ से भी फिल कर सकते हैं। सबको सब जो आप फिल करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप सब कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखें। तो पहले से देख लीजिएगा, इसमें आपको नेम लिखना है जो पासपोर्ट में आपका, फिर सर नेम लिखना है, फिर जो भी आपका बिज़नेस है वो बिज़नेस के बारे में आपको लिखना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉई हैं या क्या करते हैं उसके बारे में। उसके बाद में आपको स्ट्रीट या एड्रेस, आप जैसे यहाँ पर आप आएंगे नीचे स्ट्रीट लिखना है, स्ट्रीट के बाद सिटी लिखना है। मैं थोड़ा सा इसको उल्टे तरीके से भर रहा हूँ तो आप उसको देख सकते हैं। सिटी का नेम यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस में जो लिखा है आपके पास पासपोर्ट पर वो डिटेल्स आपको लिखनी है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साथ के साथ इसमें नीचे जैसे ये सब एड्रेस लिखने के बाद में आप जो है यहाँ पर आपको टेलीफोन नंबर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर, आपके 2 नंबर है घर का और वर्क का जो भी है वो लिख देना है। और उसी के साथ दोस्तों साथ में जब एंट्री पे यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस लिख देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो एड्रेस आपको लिख देना है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि मैरिड स्टेटस आपका मैरिड है या नहीं है, तो इसमें आप जिस पे भी जो भी आपका स्टेटस है उस पे जा करके आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपका स्टेटस है उसी हिसाब से आप उस पे जाकर क्लिक कर लें। जैसे मैं मान लीजिएगा मैरिड है तो यहाँ पर मिले मैरिड पे क्लिक कर यहाँ पर टिक कर देंगे, एक रोज़ का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ फादर, यहाँ पर आपको अपने पिता का नाम जो भी आपके पासपोर्ट में लिखा है वो पीछे लिखा होता है बैक पेज पे वो लिखना है। यहाँ पर मदर का नेम जो भी लिखा है पासपोर्ट में जो लिखा है वो आपको लिखना है। और उसके बाद पहले सो बर्थ ये आपके पासपोर्ट में लिखा होता है वो ही आपको लिखना है जो आपके पासपोर्ट में है लिखा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको अपनी पासपोर्ट के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इसको आप चाहे तो दोस्तों ध्यान रहे कि सब कुछ कैपिटल में और बड़ा बड़ा साफ साफ लिखा जाए क्योंकि ये कोई ज़्यादा 2 मिनट का काम है। सिर्फ ये फॉर्म भी कुछ इतना बड़ा नहीं है, इतनी डिटेल्स के साथ में नहीं है ये फॉर्म। तो दोस्तों यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद में नीचे आप जाएंगे नेशनलिटी पे। डेट ऑफ बर्थ का ध्यान रहे कि डेट ऑफ बर्थ एक बड़ा सेंसिटिव मसला है, तो जो भी आपके पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर मेंशन करें। अब यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर है नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, इंडिया लिखेंगे, नेशनलिटी में आप लिखेंगे इंडिया, नीचे आ गया पासपोर्ट नंबर।
तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट नंबर जो भी आपके पासपोर्ट लिखे हैं, पर्पज़ ऑफ टूरिज्म में टूरिज्म ट्रिप लिख सकते हैं। पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब इशू हुआ, यहाँ पर वो डेट लिखनी है। आपके पहले पेज पर नीचे लिखा होता है, सबसे जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होती है उसके नीचे लिखा पासपोर्ट इशू, जिस डेट में पासपोर्ट इशू हुआ है यहाँ पर वो डेट लिखनी है। यहाँ पर पासपोर्ट इशू और इसके आगे दोस्तों आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ एक्सपायरी, यहाँ पर जो जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है नेक्स्ट में वो मेंशन कर देना है। तो दोस्तों एक्सपायरी डेट लिखने के बाद में वीज़ा ड्यूरेशन में आपको लिखना है, वन मंथ पे क्लिक करना है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ एंट्री, अगर आप सिंगल एंट्री जाते हैं तो वन पे क्लिक करें, मल्टीपल जाते हैं तो मल्टीपल क्लिक करें। इसकी जो वीज़ा फ़ीस होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर दोस्तों एड्रेस इन लेबनान में होटल को टिक करके, होटल का जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर, वो होटल का एड्रेस आप लिख देंगे। जो भी आपका होटल बुकिंग आपने की है उस होटल का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल है, जो भी है उस वो लिखने के बाद में दोस्तों नीचे ये डेट लिखी हुई है, डेट लिख करके आप इस पर सिग्नेचर कर दें। जो भी डेट है आप यहाँ डेट फिल करें और नीचे सिग्नेचर कर दें बस। अब इसके साथ दोस्तों आपको सिग्नेचर करने के बाद में आपको करना क्या है, आपको चेकलिस्ट लेनी है, एक ही वीज़ा फॉर्म लेना है और आपका पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो, ये सब चीज़ें एक जगह, होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग और वीज़ा फीस लेकर के VFS जाना है, VFS में जा कर के इन सबको जमा कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीज़ा अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरीके से आपको आगे भी इस तरीके की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखें, थैंक यू सो मच।